Hey guys, welcome to my channel Commerce Logy, Commerce Made Simpler. I hope आपको मेरी first video पसंद आई होगी and here I am with my second video. आज हम बात करने वाले हैं Forbes magazine के बारे में. जी हाँ दोस्तों, वही Forbes magazine जिसने आज तक न जाने कितने सारे businesses, business tycoons और finance related हमें news दी है. वो पहले एक paper medium में थे और अब वो online भी है and उसकी reach all over the world है. आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे फोर्ब्स मैगजीन आज इस मुकाम पे पहुंचा. वो आज वर्ल्ड के टॉप 3 मैगजीन में से एक है, तो देखते हैं कि कैसे फोर्ब्स मैगजीन आज वर्ल्ड की टॉप 3 मैगजीन्स में से एक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. फोर्ब्स वाज स्टार्टेड बाय बर्टी चार्ल्स फोर्ब्स इन द ईयर 1917, अर्लियर नेम्ड एज Doers and Doings, but then Mr. Forbes renamed it after his surname. Mr. Forbes was a columnist. Forbes boomed during the year 1920. Forbes magazine became an instant hit and it became famous. William Randolph Hearst offered to buy Forbes. By 1932, due to depression, company was bankrupt in name. The company was in a serious problem and on the verge of being shut down. In 1945, his son Malcolm joined Forbes after being discharged from the army. Soon after being in control, he started hiring full-time editorial staff and also published a weekly newsletter, The Forbes Investor. In 1947, Forbes magazine had completed its 30 years. In January 1949, Forbes introduced an annual report card on industries and companies. In 1950s, the magazine began in-depth coverage of mutual funds. Editor James Michael's work brought a lot of editorial prominence to Forbes. In 1982, the magazine reached new heights due to its annual issue of Richest People List. तो गाइस, इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. एक्चुअली में क्या था, मैलकॉम फोर्ब्स ने जब अपने एम्प्लॉयज को बताया कि वो ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज ने मना कर दिया और ये कहा कि इस लिस्ट की वजह से उनकी रिच पीपल की सेफ्टी और सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है. पर मैलकॉम फोर्ब्स डटे रहे और उन्होंने इस लिस्ट को तभी भी तैयार किया बाहर से मदद लेकर. इन 1996 Forbes had its presence online. जी हाँ दोस्तों, तब तक Forbes magazine ने अपनी presence online भी बना ली थी with the website forbes.com. फिर Malcolm Forbes के बाद आए उनके बेटे Steve Forbes. Currently, Steve Forbes is editor-in-chief and Mike Federal is the CEO. The company was sold to a Hong Kong-based investment group, Integrated Whale Media Investments, in the year 2014. तो दोस्तों, अभी आपने जाना फोर्ब्स की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे बर्टी चार्ल्स फोर्ब्स ने और उनके सन और ग्रैंडसन ने उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए इस कंपनी को इस मुकाम पे पहुंचाया. फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो इस कंपनी को इतना बड़ा कंपनी बनाया. आज वो वर्ल्ड की टॉप 3 बिजनेस मैगजीन्स में से एक है और उसका राज आपने जाना. अब हम जानते हैं कि कैसा कर रही है वो कंपनी प्रेजेंट डे में. प्रेजेंट डे में क्या सिनेरियो है, उसका स्वॉट एनालिसिस क्या है. तो पहले हम बात करते हैं उसकी स्ट्रेंथ की. उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है. हर कोई आज जानता है कि फोर्ब्स एक बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेस मैगजीन है. किसी को भी अगर बिजनेस के बारे में कोई न्यूज देखनी होगी या फाइनेंस रिलेटेड कोई न्यूज देखनी होगी या फाइनेंस एनालिसिस से रिलेटेड कोई न्यूज देखनी होगी, तो वो कौन सी मैगजीन उठाएगा? वो फोर्ब्स उठाएगा, क्योंकि उसकी ग्लोबल प्रेजेंस बहुत अच्छी है. फिर हम बात करते हैं उसकी जो लिस्ट वो निकालता है हर बार, जो रिचेस्ट पीपल की लिस्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन्स, रिचेस्ट एक्टर्स, रिचेस्ट बिजनेसमैन. वो लिस्ट की वजह से भी फोर्ब्स बहुत ज्यादा फेमस है और फोर्ब्स उस लिस्ट के लिए एक बहुत ही रिलायबल रिसोर्स है.
अगर आज के टाइम में किसी को भी जानना है कि कौन richest है या किसकी क्या वर्ल्ड रैंकिंग है, तो वो हमेशा फोर्ब्स उठाएगा, वो बंदा हमेशा फोर्ब्स के पास जाएगा, बिकॉज दैट्स रिलायबल सोर्स. फिर हम बात करते हैं उसकी वीकनेस के बारे में. उसकी वीकनेस जो है वो ये है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थोड़ा सा अच्छा नहीं है. लाइक उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को थोड़ा और बेटर होना चाहिए. सो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो थोड़ा और बेटर हो और लोगों के पास पहुंचे तो ज्यादा बेटर होगा, उसकी रीच और बढ़ेगी. देन हम बात करते हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में. अपॉर्चुनिटीज ये हो सकती हैं कि वो यूएस से बाहर भी सेल करें अपनी कॉपीज, या फिर ऑनलाइन है जो भी है वो यूएस से बाहर भी करे सेल्स, वो सिर्फ यूएस पे ज्यादा डिपेंड ना हो. वो यूएस पे जो ज्यादा डिपेंड हो रहा है, दैट्स यू नो हिंडरिंग इन इट्स सक्सेस. तो उसे यूएस के बाहर भी अपनी कॉपी सेल करनी चाहिए, अपनी सेल्स बढ़ानी चाहिए. फिर उसकी जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो है यूथ. जी हाँ दोस्तों, यूथ, आप, मैं, हम सब, यूथ. यूथ को टारगेट करने के लिए वो सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज कर सकता है, यूथ मार्केटिंग यूज कर सकता है. और अगर ऐसे और मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में आपको जानना है, आपको 162 मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में जानना है, तो जाइए और विजिट करिए हमारा इंस्टाग्राम पेज. नीचे हमारा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, उसे फॉलो कीजिए और देखिए कि कैसे आप अपने बिजनेस में पर्सनल सेलिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग टेक्निक्स और भी बिजनेस की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं. कैसे आप अपने बिजनेस को यहां से यहां पहुंचा सकते हैं इन मार्केटिंग टेक्निक्स से, इन पर्सनल सेलिंग टेक्निक्स से. देन हम बात करते हैं फोर्ब्स के थ्रेट्स के बारे में. जी हाँ दोस्तों, फोर्ब्स का सबसे बड़ा थ्रेट है उसके कॉम्पिटिटर्स. और कंपेटिटर्स सिर्फ ग्लोबल लेवल पे नहीं है फोर्ब्स के. ग्लोबल लेवल पे फोर्ब्स के कंपेटिटर तो हो गए ट्रिब्यून हो गया, या फिर बिजनेस टुडे हो गया, ये सब ग्लोबल लेवल पे हो गए, द वीक हो गया, ये सब ग्लोबल लेवल पे हो गए. पर फोर्ब्स के लोकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स हैं. लाइक अगर आज हम इंडिया की बात करते हैं, अगर इंडिया का हम एग्जांपल लेते हैं, तो फोर्ब्स अगर है यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स भी है, हमारे पास यहाँ पर और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और ट्रिब्यूनल्स और सब हैं जो हमारे पास मनी कंट्रोल है, जो हमें मार्केटिंग और फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड न्यूज देते हैं एंड हमें बिजनेस एनालिसिस करके देते हैं. जैसे फोर्ब्स अगर बिजनेस एनालिसिस करके देता है कि आपको इस स्टॉक में या इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, तो मनी कंट्रोल भी ये चीज कर रहा है. तो ये जो है, ये फोर्ब्स को इस चीज के लिए बहुत अच्छे से काम करना होगा, अपने हमेशा कंटेंट बहुत अच्छा रखना होगा ताकि वो अपने कंपेटिटर्स को बीट कर सके. देन द सेकंड थ्रेट इज लीगैलिटी. देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि लीगैलिटी एक ऐसी चीज है जो अगर सही से प्रॉपरली फॉलो ना की जाए तो वो हमेशा थ्रेट होती है, वो हमेशा बिजनेस के लिए लॉस लाती है और एक्सपेंसेस लाती है, जिसको बिजनेस अवॉइड कर सकते हैं अगर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करें. बस रूल्स एंड रेगुलेशंस सही से फॉलो करें तो इतने जो बड़े बड़े पेनल्टीज लग जाते हैं बिजनेस पे, वो उसको साइडलाइन कर सकते हैं, वो एक एक्सपेंस जो है उसको हटा सकते हैं. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड आपको अगर ये चीज पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कोई अगर आपकी क्वेरीज हैं या आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं. एंड प्लीज डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.